Hello, my dear lovely kids. I hope that you all are doing good. Sab acche se hai? So excited to begin with your English class. So here I am back once again with a new lesson of your English book, that is Literary Journeys, an English Reader for Class 3 by Brainroot Publication. Children, aaj hum ek naye chapter ko start karenge. And the title of our chapter is My Favorite Festival. India is a land of festivals. India mein kai tarah tarah ke tyohar manaye jate hain. Bahut sare festivals aapke ghar mein bhi manaye jate honge. Aapko kaun sa favorite festival hai? Kisi ka festival favorite Holi hota hai, kisi ka Diwali hota hai, kisi ka Dashera hota hai, kisi ka Raksha Bandhan hota hai. Right? Aapko kaun sa festival pasand hai? आज हम एक ऐसे नैरेटर के बारे में पढ़ेंगे या ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जिसका फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली. तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं. इन इंडियन कल्चर फेस्टिवल्स आर मोर देन जस्ट ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन. दे सर्व एज अ मीडियम टू डीपेस्ट एंड मोर प्रोफाउंड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. ईच फेस्टिवल कैरीज इट्स ओन यूनिक सिग्निफिकेंस ऑफरिंग वैल्यूएबल एंड स्पिरिचुअल इंसाइट्स एंड कल्चरल ट्रेडिशंस that have been passed down through generation. Let us read about one of the festival in detail. त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है बच्चों. त्यौहार खुशी तो बांटते ही हैं, साथ में हमें एक दूसरे के और करीब ले आते हैं, हम लोगों की दोस्ती को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, लोग आपस में मिलजुल के रहना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहते हैं, साथ ही हमारी परंपराएं, हमारी ट्रेडिशंस, हमारे जो पूर्वजों ने हमें जो सीख दी है उन पर भी हमें रहना सिखाते हैं, उनको कंटिन्यू करना भी यही फेस्टिवल्स हमें सिखाते हैं. तो आज हम एक ऐसे ही फेस्टिवल जो कि देश भर में मनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है. यस्टरडे वॉज दिवाली. माई फ्रेंड सूरज एंड नेहा हैड कम टू सेलिब्रेट इट विद अस. We were all dressed in new clothes. तो नैरेटर जो है वो बोल रहे हैं कि कल दिवाली था और मेरे दो दोस्त नेहा और सूरज मेरे घर आए थे दिवाली मनाने. हम सभी ने नए कपड़े पहने हुए थे. My mother was making sweets with coconut and dry fruit. मेरी मम्मी कोकोनट यानी नारियल और ड्राई फ्रूट्स यूज करके मिठाइयाँ बना रही थी. Hello सूरज एंड नेहा. मम्मी विश्ड माई फ्रेंड्स हैप्पी दिवाली. तो मम्मा ने बाहर आकर सूरज और नेहा की तरफ देखते हुए कहा, हेलो बच्चों, हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली टू यू टू आंटी, सेड सूरज एंड नेहा. तो सूरज और नेहा ने भी आंटी को खुशी खुशी हैप्पी दिवाली विश किया. जस्ट देन ग्रैंडपा केम इन. और इतने में जो है दादाजी भी वहाँ आ गए. ही ग्रीटेड अस टू. सूरज एंड नेहा टू लव माई ग्रैंडफादर. हमें दादा दादी बहुत पसंद है, वो हमारी सारी बातें मानते हैं. तो सूरज और नेहा को भी नैरेटर के दादा दादी बहुत पसंद थे. उन्होंने दादाजी को भी दिवाली की बधाई दी. दे कॉल हिम दादाजी. दे लाइक टू लिसन ग्रैंडपा स्टोरीज. वो लोग दादाजी को मेरी ही तरह दादाजी बोलते हैं और दादाजी से कहानियाँ सुनते हैं. सो चिल्ड्रन डू यू नो व्हाई दिवाली सेलिब्रेटेड, आस्क्ड ग्रैंडफादर. तो दादाजी ने हमसे पूछा कि बच्चों क्या तुम्हें पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है. सूरज जम्प्ड अप ऑनटू हिज लैप. सूरज जल्दी से उनकी गोद में जा बैठा और कहा, नो दादाजी, प्लीज टेल अस अबाउट दिवाली. दादाजी प्लीज हमें इसके बारे में बताइए. दादाजी ने अपनी कहानी शुरू की. उन्होंने कहानी बतानी शुरू की. ऑन दिस डे वी सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम टू हिज किंगडम आफ्टर 14 ईयर्स. पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विद लाइट्स टू वेलकम हिम. तो दादाजी ने बताया कि कई साल पहले भगवान राम जो है 14 साल बाद अपने घर अयोध्या लौटे थे और इसी खुशी को मनाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए अयोध्या के लोगों ने चारों तरफ दिए जलाए थे. और तब से आज तक हम भी श्री राम का आगमन के लिए दिए जलाते हैं और दिवाली के रूप में इस दिन को मनाते हैं. Lord Ram won a great war against Ravan, the king of Lanka. Diwali is also a day to remember good wins over evil.
भगवान राम ने रावण को युद्ध में हराया था। इससे पता चलता है कि अच्छाई हमेशा बुराई से जीत जाती है, और इसीलिए दिवाली जो है वो एक प्रतीक है। इट इज अ सिंबल दैट गुड इज ऑलवेज विन्स ओवर इविल। अच्छाई जो है उसकी जीत हमेशा निश्चित है। बट वाई डू वी लाइट लैम्प्स, ऑफर स्वीट एंड वियर न्यू क्लोथ्स, आस्क नेहा होल्डिंग ग्रैंडपास हैंड्स। अब नेहा ने दादाजी का हाथ थामते हुए बोला, पर दादाजी ये तो ठीक है कि राम जी वापस आए थे और हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम दिए क्यों जलाते हैं और हम मिठाइयाँ क्यों करते हैं और हम नए कपड़े क्यों पहनते हैं? लॉर्ड राम बैक केम टू हिज किंगडम आफ्टर 14 ईयर्स। द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर वेरी हैप्पी। दे लिट लैम्प्स, एट स्वीट्स एंड वोर न्यू क्लोथ्स टू सेलिब्रेट लॉर्ड राम्स रिटर्न, ग्रैंडफादर सेड। तो दादाजी ने बताया कि लॉर्ड राम यानी प्रभु राम जो हैं वो 14 साल बाद अपने घर लौटे थे। उन्हें वनवास मिला था और वनवास के बाद वो काफी सालों बाद यानी 14 ईयर्स बाद अपने घर आए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ। सब लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और जब वो लौटे तो सब लोग इतने खुश हुए कि सब ने उनके आने के लिए स्वागत में दिए जला दिए। खुशी मनाने के लिए एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी और नए कपड़े पहने, और तभी से वही परंपरा चली आ रही है। दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अक्टूबर और नवंबर एवरी ईयर। दादाजी ने ये भी बताया कि ये त्यौहार हर साल पूरी दुनिया में अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाया जाता है। या दिवाली इज माई फेवरेट फेस्टिवल, शाउटेड सूरज हैप्पीली। सूरज ने खुशी से बोला, हाँ दादाजी, दिवाली तो मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है, ये मुझे बहुत पसंद है। आवर्स टू, नेहा एंड आई सेट टुगेदर। और सूरज की बात में हाँ मिलाते हुए नेहा और नैरेटर ने भी बोला कि हमें भी ये उतना ही पसंद है। वी हेल्प मम्मा टू लाइट स्मॉल क्ले लैम्प्स कॉल्ड दियास टू डेकोरेट अवर हाउस। कहानी सुनने के बाद सभी बच्चों ने मम्मी के साथ मिलके छोटे छोटे मिट्टी के दिए जलाए। इट लुक्ड सो ब्यूटिफुल, सारा घर दियो से जगमगा उठा और बहुत खूबसूरत लगने लगा। देन वी एट स्वीट्स दैट शी मेड। उसके बाद मम्मी ने जो मिठाइयाँ बनाई थी सबने वो टेस्ट की। वॉट अ फन वी हैड, हमने सबने मिलके बहुत मजे किए। नाउ लेट्स गो थ्रू द एक्सरसाइजेज एंड द वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करते हैं। अगेंस्ट मीन्स किसी के खिलाफ यानी ऑपोजिशन में। ग्रीटेड मीन्स किसी का स्वागत करना, टू वेलकम समवन। इविल मीन्स कॉजिंग ट्रबल और हैम्परिंग पीपल, यानी लोगों को नुकसान करना या उनको क्षति पहुंचाना। किंगडम मीन्स राजा का राज्य। और फेवरेट मीन्स दैट इज लाइक्ड बाय समथिंग एल्स मोर, यानी किसी चीज से हमें जो चीज बहुत ज्यादा पसंद है वो हमारी फेवरेट है, वो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। लेट्स डू देम वन बाय वन। द मदर वॉज मेकिंग स्वीट्स विथ कोकोनट, सूजी, बेसन, खोया। विथ कोकोनट, नारियल और ड्राई फ्रूट्स यूज कर रही थी ना, नारियल। सेकेंड, लॉर्ड राम रिटर्न टू हिज किंगडम आफ्टर 14 ईयर, 14 साल बाद भगवान राम जो है वापस लौटे। नेक्स्ट, रावण वॉज द किंग ऑफ ईरान, बिहार, लंका और नेपाल। रावण कहाँ का राजा था? रावण लंका का राजा था। ओके। फोर्थ, डैश इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर या नवंबर के महीने में हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। सो दिवाली इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स डू द फिल इन द ब्लैंक्स एंड फॉर अवर हेल्प वी हैव अ हेल्प बॉक्स। हम इन हेल्प बॉक्स से वर्ड्स लेंगे और इसे फिल करेंगे। सूरज एंड नेहा केम टू सेलिब्रेट दिवाली। वो दिवाली मनाने आए थे। सेकेंड, मदर वॉज मेकिंग स्वीट्स, मम्मा जो है कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स की मिठाई बना रही थी। सो स्वीट्स। थर्ड, पीपल डैश देयर हाउसेज विद लाइट।
लोग अपना घर सजाते हैं, सो पीपल डेकोरेट. फोर्थ, दिवाली इज अ डे टू रिमेंबर दैट गुड विन्स ओवर इविल. अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है. एंड लास्ट, लॉर्ड राम केम टू हिज किंगडम आफ्टर 14 ईयर्स. ओके, लॉर्ड राम 14 साल बाद अपने किंगडम वापस लौटे. सो आई होप यू हैव डन ऑल द एक्सरसाइजेस. नाउ लेट्स मूव फर्दर. एक्सरसाइज नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. फर्स्ट, सूरज एंड नेहा लाइक टू लिसन टू फादर स्टोरीज. फादर नहीं, ग्रैंडफादर. सो दिस इज फॉल्स. उनके दादाजी उन्हें कहानी सुनाते थे. सेकेंड, सूरज जम्प्ड अप ऑनटू ग्रैंडमाज लैप. यस, दिस इज ट्रू. थर्ड, राम रिटर्न टू हिज किंगडम आफ्टर 14 ईयर्स. यस, दिस इज ट्रू. फोर्थ, दिवाली सेलिब्रेटेड इन मई और जून. नो, दिस इज फॉल्स. दिवाली नवंबर या अक्टूबर में सेलिब्रेट होती है. फिफ्थ, रावण वॉन द वॉर अगेंस्ट लॉर्ड राम. नो, दिस इज फॉल्स. रावण हार गया था और लॉर्ड राम जीत गए थे. ओके, सो दिस इज रॉन्ग. नाउ चिल्ड्रेन, लेट्स क्विकली डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड देन यू कैन डू देम ऑन योर ओन इन योर नोटबुक. फर्स्ट वन, हु केम टू सेलिब्रेट दिवाली. नेहा एंड सूरज केम टू सेलिब्रेट दिवाली. सेकेंड, हु रिटर्न टू हिज किंगडम आफ्टर 14 ईयर्स. लॉर्ड राम रिटर्न टू हिज किंगडम आफ्टर 14 ईयर्स. थर्ड, वॉट विन्स ईवर विन्स ओवर ईविल. बुराई के ऊपर किसकी जीत है? अच्छाई की. सो गुड विन्स ओवर ईविल. फोर्थ, इन विच मंथ दिवाली इज सेलिब्रेटेड. दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवम्बर. फिफ्थ, हु टोल्ड द चिल्ड्रेन वाई दिवाली इज सेलिब्रेटेड. किसने बताया बच्चों को दिवाली के बारे में? दादाजी ने. सो ग्रैंडपा टोल्ड द चिल्ड्रेन वाई दिवाली इज सेलिब्रेटेड. सो चिल्ड्रेन, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द एक्सरसाइजेस. मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और अब आप इन सभी को कर सकते हैं. सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू टुडेज सेशन. आई होप टू मीट यू सून अगेन विद अ न्यू लेसन ऑफ दिस बुक वेयर वी वुड लर्न समथिंग मोर इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग. सो विद दिस वी बिड गुड बाय टू यू टुडे. बाय बाय एंड टेक केयर. Have a wonderful day ahead.